तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एंड मी को जो, और हमें बता हुआ जोजो बिजारो एडवेंचर के बारे में। इसका मैंने सीजन वन देखा। इसका मैं पहले जोनरा बता देता हूँ, एक्शन एडवेंचर और सुपर पावर। एनमी का सीजन वन है जोजो बिजारो एडवेंचर फैंटम ब्लड। शॉर्ट में इसका मैं एक स्टोरी प्लॉट तुम्हें समझा देता हूँ, एकदम स्टोरी का प्लॉट समझा देता हूँ। तो स्टोरी एकदम सिंपल सी है कि जोसेफ के जो पापा, उन्हें एक मिस्टीरियस मास्क मिलता है। वो मिस्टीरियस मास्क कुछ खतरनाक को पावर को लेके चलता है। और एक होता है जोसेफ और एक होता है उसका मुंह बोला भाई। उसके मुंह बोले भाई की नज़र उसके पापा की प्रॉपर्टी पर होती है, जो उसको नहीं मिलती है वो उस मास्क को ले लेता है और उसको कुछ सुपर पावर मिल जाती है जिसके कारण वो इविल बन जाता है, जिसको जोसेफ रोकता है। देन जोसेफ हारता या जीतता है वो मैं नहीं बताऊँगा। देन कुछ सालों बाद जोसेफ का ग्रैंडसन आता है, 25 साल का हो जाता है जो। और उसके बाद इस बार जो न्यू इनिमी आ जाते हैं उसके पार्ट टू में, वो होते हैं उस मास्क के क्रिएटर्स। समझ रहे हो ना, मास्क के क्रिएटर कितने खतरनाक हो सकते हैं, जो ऐसा मास्क बना सकते हैं। तो वो इस तरह ये सीज़न के अंदर ये था सीज़न वन। ठीक है, मैं बताता हूँ उस एनिमी के बारे में। तो ये एनिमी असल में कलरफुल है, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगे थे। और एनिमी पूरी तरह से कॉमेडी भी है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जोजो है। ठीक है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, जेन्युइनली बात करूँगा। मैं पूरे जोजो सीरीज़ को कवर करता हूँ। मैंने सिर्फ सीज़न वन देखा है, पर मैं अंदाजे से पूरे सीज़न की बात कर पाता हूँ कि देखो, हर एक 12 या 13 सीज़न के बाद एक न्यू जोजो हमें देखने को मिलेगा। ये फिक्स नहीं है कि कौन सा जोजो है, जोजो है एंड उसके कुछ रिलेटेड, कुछ रिलेशन में कोई दूसरा है उसका नाम भी जोजो है। एंड एनिमी के अंदर ये सबसे मुझे अच्छा लगा। एंड न्यू एनिमी और विलन कैरेक्टर्स भी आते रहेंगे जिनको रोकने के लिए एक नया जोजो होगा। जैसे सीज़न वन था कि सीज़न वन में ये वाला जोजो जो ख़त्म हो गया, एंड इसी सीज़न में दूसरा भी आ गया। दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका नाम भी जोजो है। कैरेक्टर बदलेगा पर उनका नाम जोजो ही रहेगा। पर्सनल ओपिनियन के ऊपर आता हूँ तो जो ये एनिमी थी मुझे अच्छी लगी, मुझे बोर नहीं करी। मैंने इसको धीरे धीरे करके देखा है, मेरे को इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी। ड्रैगन बॉल के बाद ये दूसरी एनिमी जो मस्कुलर वाली एनिमी मैंने देखी है। ज़्यादातर एनिमी के अंदर पतले कैरेक्टर होते हैं, पर ये मस्कुलर वाली एनिमी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हैमन पावर ऑक्सीजन से वापस एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो है हैमन पावर का। इसी तरह जोजो का सीज़न वन था, जोजो का सीज़न टू भी है, जोजो का सीज़न थ्री भी है, जो तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो एनिमी के अंदर जो मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी थी वो थी कलर को सीन में दिखाना। ग्रीन कलर, पिंक कलर, इमोशन के लिए अलग अलग कलर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली एनिमी के अंदर ऐसे नहीं दिखाया जाता, पर इस एनिमी के अलग अलग कलर को यूज़ किया गया था इमोशन के लिए। जैसे कि ग्रीन कलर के बाल जोजो के है ही नहीं, पर तब भी सीज़न वन में कहीं ना कहीं ब्लू कलर के अंदर उसके बाल दिखाए गए। असल में अगर तुम सेकंड जोजो को देख लो, वो भी अमेरिकन है, उसके भी ब्राउन कलर के बाल होते हैं, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसे सीन करके दिखाया जाता है कि उसके भी बाल ब्लू कलर के। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। No, you're not skidding,